हेलो फ्रेंड्स, दुनिया भर में बहुत सारे सांप हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में ऐसे कौन से सांप हैं जो सबसे ज़्यादा जहरीले और जिनके घातक वार से आपको जानलेवा नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं भारत में पाए जाने वाले 10 सबसे घातक और जहरीले सांपों के बारे में। नंबर 1, किंग कोबरा। किंग कोबरा दक्षिण एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया यानी भारत, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि में पाया जाता है। किंग कोबरा अपने आकार और जानलेवा डंक के लिए जाना जाता है। किंग कोबरा की लंबाई 18 फीट यानी 5.5 मीटर तक हो सकती है। ये सभी जहरीलों सांपों में सबसे लंबे होते हैं। इनका वजन 20 किलोग्राम तक पहुंच सकता है। खतरे की स्थिति में यह अपने फन को फैला लेता है ताकि वह खुद को बड़ा दिखा सके, या अपने आप को ज़मीन से 6 मीटर तक ऊँचा उठा लेता है। किंग कोबरा का जहर काटे गए जीव की जीवन तंत्रिका प्रणाली पर असर करता है, जिससे तुरंत बेहोशी, आंखों के सामने धुंधलापन आना और शरीर को लकवा मार जाने जैसे प्रभाव दिखाई देते हैं। इसके एक दंश से लगभग 2 छोटे चम्मच जितना जहर निकलता है, जो सामान्य व्यक्ति को 30 मिनट में मार सकता है। किंग कोबरा का मुख्य भोजन मेंढक, छिपकली, टिड्डे, चूहे, पक्षी आदि शामिल होते हैं। किंग कोबरा के भोजन में मुख्य दूसरे सांप भी होते हैं। जहाँ दूसरे सांप रात के समय अधिक सक्रिय होते हैं, वहीं किंग कोबरा दिन के समय सक्रिय होते हैं। किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो घोंसला बनाकर रहता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक सुना आपने। किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो घोंसले बनाकर रहता है और उसमें अंडे देता है। किंग कोबरा ऊँचाई में चढ़ने में माहिर होते हैं और ये तैरने में भी माहिर होते हैं। नंबर 2, भारतीय कोबरा। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले परिवार एलापिडा के जीन्स नजा की एक बहुत ही विषैला सांप की प्रजाति है। ये भारत के अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, दक्षिण नेपाल, बांग्लादेश, भूटान सहित अन्य कई देशों में भी पाया जाता है। चूहे इनका मुख्य आहार है, जिसके कारण यह मानव बस्ती के आसपास, खेती मैदानों इलाके, घने एवं खुले जंगलों के आसपास व शहरी इलाकों के बाहरी भागों में भी अधिक पाया जाता है। दक्षिण कोबरा एक मध्यम आकार का भारी शरीर वाला सांप है, जिसकी लंबाई 3 से 5 फीट या 1 मीटर से 1.5 मीटर तक हो सकती है। श्रीलंका की कुछ प्रजातियां लगभग 2 से 2.25 मीटर तक की हो जाती हैं, लेकिन यह दुर्लभ है। भारतीय कोबरा का सिर आकार में अंडाकार होता है। आंशिक रूप से यह लंबे जीवन काल 30 साल तक जीवित रहते हैं, लेकिन कोबरा जंगल में बीमारी और अन्य जीवन खतरों के कारण इनके जीवन काल सिर्फ 20 साल तक ही होता है। भारतीय कोबरा को भारत में नाग के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय कोबरा सांप की भारत में पूजा की जाती है। भारत में हर साल लगभग 1000 लोग इसके काटने से मर जाते हैं। भारतीय नाग में शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन जहर पाया जाता है, जिसका जहर शिकार के तंत्रिका तंत्र को अपंग बना देता है, शरीर को लकवा मार जाता है। इसके काटने से मुँह में झाग निकलने लगता है और आँखों के सामने धुंधली रोशनी हो जाती है। नंबर 3, रसल वाइपर। रसल वाइपर एक विषैला पुराना वाइपर है जो पूरे एशिया में पाया जाता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा दक्षिण पूर्व एशिया में यानी चीन, ताइवान, दक्षिणी हिस्सों में ज़्यादा पाया जाता है। यह प्रजाति कई देश, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, थाईलैंड, चीन, ताइवान और इंडोनेशिया में भी पाई जाती है। रसल वाइपर की कई अन्य आम नामों से भी जाना जाता है, जैसे चेन, इंडियन रसल वाइपर, कॉमन रसल वाइपर, चेन स्नेक, सात पेपर आदि। दोस्तों, इसकी चाल बिजली से भी तेज होती है। ये 200 किलोमीटर की रफ्तार से अपने शिकार का पीछा कर सकता है। रसल वाइपर सांप दुनिया का सबसे फुर्तीले सांपों में से एक होते हैं। इनका शरीर मोटा होता है और इनके शरीर पर गोल धब्बे भी बने होते हैं, जिसे लोग अक्सर पाइथन समझ बैठते हैं। इसकी फुंकार आम सांपों की फुंकार से बहुत ही तेज होती है। रसल वाइपर को भारत में कोरीवाला के नाम से भी जाना जाता है। रसल वाइपर की अधिकतम कुल लंबाई 5.5 फीट, औसत 4 फीट होती है। पुराने दीमक के टीलों, चट्टानों में, दरारों में, पत्तियों के ढेर में भी शरण लेते हैं। ये सीधे बच्चे देते हैं। ये एक बार में 30 से 40 बच्चे देते हैं। जी हाँ दोस्तों, बच्चे इनके अंदर ही विकसित होते हैं, यानी मादा अपने अंदर ही अंडों को रखती है और फिर सीधे बच्चे देती है। बच्चे 3 से 4 घंटे में ही अपनी झिल्ली छोड़ देते हैं और अपने नए जीवन के लिए तैयार हो जाते हैं। ये बच्चे जन्म से ही बेहद जहरीले होते हैं, जो किसी को भी मौत के घाट उतारने में सक्षम होते हैं। नंबर 4, इंडियन क्रैट।
इंडियन क्रैट एक जहरीली प्रजाति है जो भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है। इंडियन क्रैट कॉमन क्रैट और ब्लू क्रैट के नाम से भी जाना जाता है। सफ़ेद धारियों वाला यह सांप भारत, बांग्लादेश, दक्षिण एशिया में पाया जाता है। इंडियन क्रैट एक बार में इतना जहर उगलता है कि इससे एक बार काटने से 60 लोगों की मौत हो सकती है। इस श्रेणी के सर्प ज़्यादातर रात में ही निकलते हैं। रात के समय जब यह आदमी सो रहे होते हैं तो ये बिस्तर में घुसकर चुपकर बैठ जाते हैं और इनके दांत इतने महीन होते हैं कि इंसान को काटने के बाद पता भी नहीं चलता, और जब तक पता चलता है तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी होती है। इस सांप की 12 प्रजातियां हैं। इंडियन क्रैट की औसतन लंबाई 3 फीट होती है, लेकिन यह 5 फीट 9 इंच तक बढ़ सकती हैं। यह आम तौर पर काले और नीले रंग का होता है। यह छोटे स्तनधारियों और कीड़ों जैसे चूहे, मेंढक, बिच्छू, छिपकली आदि को भी खाता है। क्रैट निशाचर है। इंडियन क्रैट के दांत बेहद बारीक होते हैं। ये जहर में शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन होते हैं। इसके काटने पर आमतौर पर व्यक्ति के पेट में गंभीर ऐठन होना, इंडियन क्रैट के काटने के बाद उपचार न मिलने पर लगभग 4 से 8 घंटे के बाद व्यक्ति की मौत हो जाती है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इससे काटने से लगभग साल में 10,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। नंबर 5, सौ स्केल वाइपर। सौ स्केल वाइपर नाम अपेक्षाकृत छोटे सांप होते हैं जो 12 से 20 इंच की लंबाई के साथ वयस्क होते हैं और जन्म के समय 3 इंच तक होते हैं। भारत में पाए जाने वाले 4 विषैले सांपों में से ये एक है। अफ्रीका, मध्य पूर्व, पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका के शुष्क क्षेत्रों में यह पाए जाते हैं। ये अफ्रीका, मध्य पूर्व, पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका के शुष्क क्षेत्र में पाए जाने वाले विषैला वाइपर के एक जीन्स हैं। भारत में यह सांप महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पंजाब की चट्टानों क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह सांप चट्टानों के नीचे, पेड़ के नीचे, छाल में और कटीली झाड़ियों में रहते हैं। सौ स्केल वाइपर पक्षी सांप, छिपकली, उभयचर, बिच्छू और कीड़े आदि को खाते हैं। अपनी गुस्सैल, चिड़चिड़ी और अत्यंत आक्रामक प्रवृत्ति और इनकी घातक जहर शक्ति इसे बहुत खतरनाक बना देती है। ये बहुत ही फुर्तीले भी होते हैं। इसका जहर इतना खतरनाक होता है कि इसके काटने से इंसान की आधे घंटे में ही मौत हो जाती है। इनके काटने से खून और ब्लड प्रेशर में तेजी से गिरावट होने लगती है। भारत में सालाना लगभग 5,000 मौतें इनके काटने से ही हो जाती हैं। नंबर 6, इंडियन पिट वाइपर। इंडियन पिट वाइपर को भारत में बैम्बू वाइपर या ट्री वाइपर के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के दक्षिणी भाग में पाया जाता है। ये सांप आमतौर पर चमकीले हरे रंग के होते हैं। आमतौर पर बांस के गड्ढे पर, बांस के पेड़ों और जंगलों में रहते हैं। ये सूखे गड्ढे वन में भी रहते हैं। इंडियन पिट वाइपर ज़्यादातर भारत के पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। ये छोटे पक्षियों, मेंढकों और छिपकली आदि को खाते हैं। मादा पिट वाइपर 6 से 11 बच्चों को जन्म देती है जिनकी लंबाई 110 मिलीमीटर तक हो सकती है। ये सांप पूरी तरह से विकसित पैदा होते हैं। उन्हें खुद की देखभाल खुद ही करनी पड़ती है। ये सांप देखने में बेहद खूबसूरत होते हैं। नंबर 7, मालाबार पिट वाइपर। मालाबार पिट वाइपर जिसे रॉक वाइपर के नाम से भी जाना जाता है। यह दक्षिण पश्चिम भारत में धाराओं के पास, चट्टानों में और पेड़ों के पास पाए जाते हैं। यह सबसे कुशल विषैले सांप है। इसका जहर मुख्य रूप से शिकार के रक्त और मांसपेशियों पर असर करता है। ये घने जंगलों में रहते हैं, मुख्यतः पेड़ों पर। पिट वाइपर एक धीमी गति से चलने वाला सांप है और निशाचर है। यह सुरक्षा के लिए छलावरण पर भी भरोसा करता है, यानी कि ये नाटक करने में भी माहिर होते हैं। ऐसा ही अपने बचाव के लिए भी करते हैं। मालाबार पिट वाइपर के भोजन में कृंतक, छिपकली, पक्षी और मेंढक जैसे छोटे स्तनधारी और शिकार करते हैं। मादा 4 से 6 बच्चों को जन्म देती है। इस सांप की खासियत भी यही है, क्योंकि अन्य सांप अंडे देते हैं पर ये माँ अपने ही शरीर में अंडों को विकसित करती है और बच्चे देती है जो पारदर्शी बैग से घिरे होते हैं, जिन्हें झिल्ली कहा जाता है। मालाबार पिट वाइपर निशाचर है और आमतौर पर दिन में ही सक्रिय होता है। नंबर 8, बैंडेड क्रैट।
बैंडेड करेत को धीमी रेत को धारीदार करेत के नाम से भी जाना जाता है। बैंडेड करेत की पहचान इसके वैज्ञानिक और पीले क्रॉस बैंडेड यानी इसके त्रिकोणीय बॉडी क्रॉस सेक्शन से होती है। सबसे लंबे बैंडेड करेट मापा गया जो 2.25 मीटर यानी 7 फीट 5 इंच का था, लेकिन आम तौर पर सामने आई लंबाई 1.8 मीटर यानी 5 फीट 11 इंच है। यह सब भारत, बांग्लादेश, दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। यह जंगलों से लेकर कृषि भूमि, आवासों में बंधे क्रैट, दीमक के टीले और पानी के आसपास भी पाए जाते हैं। यह अक्सर मानव बस्ती के पास रहते हैं। इसके जहर का प्रभाव में उल्टी, पेट में दर्द, दस्त और चक्कर आना शामिल है। गंभीर स्थिति में श्वास में विफलता हो जा सकती है और दम घुटने से मृत्यु हो सकती है। यह छोटे कीड़े मकोड़े और दूसरे जीवों का शिकार करता है। इसके अलावा यह विषहीन सांपों का भक्षण करके इनकी संख्या को नियंत्रित रखते हुए जैव विविधता की महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये शर्मीले होते हैं या जल्दी किसी को नहीं काटते हैं। जब यह अपने ऊपर कोई खतरा देखते हैं तभी ये किसी को डसते हैं। यह बेहद ही खूबसूरत होते हैं और इन्हें सांपों का राजा भी कहा जाता है। नंबर 9, मोनोकॉल्ड कोबरा। मोनोकॉल्ड कोबरा एक ऐसा सांप है जो दक्षिण एशिया में पाया जाता है। ये इंडियन कोबरा के जैसे ही दिखता है पर इसके सिर के पीछे एक चंद्र के जैसा निशान बना होता है, इसलिए इसे चंद्रनाग भी कहते हैं। ये जहर में न्यूरोटॉक्सिन जहर निकालता है और साथ ही अपने शिकार को डराने के लिए जहर थूकने की भी क्रिया करता है। इसकी लंबाई 4 से 5 फीट तक होती है। ये सांप अंडे देते हैं। भारत में ऐसे सांपों को मंदिर या सपेरों के पास देखकर लोग इन्हें दूध पिलाने लगते हैं, पर फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सांप कभी दूध नहीं पीते हैं। ये पूरी तरह से मांसाहारी जानवर होते हैं, बल्कि दूध अगर इनके अंदर चला जाता है तो इन्हें इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसके काटने से जिस जगह पर इसने काटा हुआ होता है वहाँ पर जलन होने लगती है और इंसान की 6 से 7 घंटे में मौत भी हो सकती है सही उपचार ना मिलने पर। ये अपने भोजन में चूहे, मेंढक, छिपकली आदि का सेवन करते हैं और ये निशाचर हैं जो रात में सक्रिय होते हैं। नंबर 10, हम्प नोज्ड पिट वाइपर। ये सांप मुख्यतः अपनी नाक की वजह से जाना जाता है। इसकी नोकधार नाक की वजह से ही इसका नाम हम्प नोज्ड पिट वाइपर पड़ा। ये 2 फीट से ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं यानी ये लंबाई में छोटे होते हैं और ये सदैव सक्रिय मुद्रा में होते हैं। ये अपनी पूंछ से पेड़ की टहनियों से छोटे, ये आकार में छोटे होने पर भी बेहद जहरीले होते हैं। इनके दांत भी बहुत छोटे हैं और जिसका जहर में इंसान 4 से 6 घंटे के अंदर मर सकता है। ये साउथ इंडिया और महाराष्ट्र में अधिकांश पाए जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो कृपया करके इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हम फिर से मिलेंगे ऐसी ही रोचक जानकारियों को लेकर।